ठीक है बोलिए मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी बोलना चाह रहे हैं। मुकेश जी आप 10 सेकंड बोलिए कि देखिए गौरव भाटिया तो डिबेट को छोड़ के चले गए हैं। आप 21 लाख 20 लाख लगातार 7-8 बार पेपर लीक हो चुका, जाने कितने लाखों के बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला गया। वैसे गौरव भाटिया, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि समय की कमी मेरे पास नहीं थी, समय की कमी शायद उनके पास रही थी। वैसे तो गोदी मीडिया बीजेपी के नेताओं से तीखे सवाल नहीं करता और डिबेट में भी उन्हीं का पक्ष रखता है, तो एंकर का काम लगता है कि विपक्षी नेता कर रहे हैं। आज की वीडियो में बात गौरव भाटिया की वे डिबेट की करते हैं जिसमें विपक्षी नेताओं ने उनकी क्लास ली हो। न्यूज 18 पर किसानों के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने एंकर के सवाल का जवाब दे रहे थे, तभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने उनसे सवाल करने शुरू किए, जिसके बाद गौरव भाटिया डिबेट छोड़कर ही चले गए। 2050 तक कांग्रेस तो नहीं आने वाली, आपको मालूम है क्यों? जो किसानों की जमीन हड़पेगा, चाहे आजम खान हो चाहे रॉबर्ट वाड्रा हो, वो कभी देश पे राज नहीं करेगा। और कांग्रेस पार्टी विचित्र है, कह रहे गंभीर चर्चा थी। मुकेश जी गंभीर चर्चा थी, अमी जी शायद हो सकता है आपको मस्करी अच्छी लगती हो, कोई ये लाफ्टर चैलेंज थोड़ी आपको है। रात को प्रियंका और राहुल के अलावा को नजर नहीं आता आजकल, डर गए हो आप प्रियंका राहुल से? भैया को शांत कराइए। गौरव बोलिए आपके टर्न है, आपके 30 सेकंड बचे हैं, मैं क्यों पॉइंट? वो कह रहे हैं डर गए हैं आप प्रियंका और राहुल से, जवाब। आप 30 सेकंड भी मत दीजिए अमित जी, आप उन्हीं को दे दीजिए, आप कंट्रोल नहीं कर। ठीक है बोलिए मुकेश जी, मुकेश जी, मुकेश जी बोलना चाह रहे हैं। मुकेश जी आप 10 सेकंड बोलिए, अपना समय आपको दे रहे हैं, बोलिए मुकेश जी 10 सेकंड बोलिए, अपनी बात को कंप्लीट करिए। देखिए गौरव भाटिया जी, लेकिन देखिए गौरव भाटिया तो डिबेट को छोड़ के चले गए हैं, उनको लग रहा है कि उनको आप उनको बोलने नहीं दे रहे, इसलिए वो डिबेट को छोड़ के चले गए हैं, वो उनका मत है, बीजेपी ने खुद डिबेट को छोड़ा है। आज तक पर उत्तर प्रदेश चुनाव के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर ने अनुराग भदौरिया से उनके पार्टी के नेता की तरफ से दिए बयान पर जवाब देने को कहा, जिस पर अनुराग भदौरिया ने गौरव भाटिया की मौजूदगी में बीजेपी पार्टी की क्लास लगा दी। देखिए ये बोलो आप, देखिए झूठ झूठ यहाँ देख लीजिए, गन्ना का अभी भी 4,000 करोड़ रुपया बकाया है जो उन्होंने नहीं दिया। जहां तक ये बात करते हैं कुलदीप सेंगर को बचाते घूम रहे थे, पूरी सरकार लगी थी कुलदीप सेंगर जिसके रेप पे मुकदमा था और उसके पूरे परिवार को खत्म कर दिया, बचाते घूमते रहे और चिन्मय स्वामी को तो लास्ट तक बचाते ही रहे लोग। ये वो लोग हैं जहां 21 लाख 20 लाख लगातार 7-8 बार पेपर लीक हो चुका, जाने कितने लाखों के बच्चों का भविष्य अंधेरे में चला गया। ये वो लोग हैं जो एसएसपी प्रयागराज यहाँ पे जब यहाँ टीचर भर्ती घोटाला हुआ, वो इंक्वायरी कर रहा था, उसको उन्होंने हटा दिया। ये वो लोग हैं जो किसान को रौंदने वाले को, उसके बेटा जिसने किसानों को रौंदने का आरोप है उसके पिताश्री को देश को गृह राज्य मंत्री बना देते हैं। ये वो लोग हैं जो सरेआम महिलाओं का चीरहरण करते हैं। ये वो लोग हैं जो रात के अंधेरे में दलित बच्ची का अंतिम संस्कार पेट्रोल डाल के कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ पे अपनी पुलिस इनके इशारे पे कहाँ ना कहाँ लोगों को मार देती है। क्या आप गोरखपुर में कैसे मारा गया पुलिस ने, निर्दोष व्यापारी को हत्या कर दी, किसी ने विवेक तिवारी को यहाँ पुलिस ने गोली मार के हत्या कर दी। ये वो लोग हैं। न्यूज 24 पर किसानों के मुद्दे पर हुई डिबेट में गौरव भाटिया ने राजस्थान की घटनाओं का जिक्र कर कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा और किसान नेताओं पर भी, जिसका करारा जवाब योगेंद्र यादव ने दिया। राजस्थान में हनुमानगढ़ में किसानों पे लाठियां भाजी, किसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, किसी का सर तोड़ दिया, खून बहा, ये भी भाजपा ने करा दिया क्या? क्यों ऐसा हुआ? अशोक गहलोत बताए, कुड़की के नोटिस आए किसानों को। योगेंद्र यादव जी हो सकता है व्यस्त रहे हो, इनको पता नहीं चला हो। मैं सोच रहा था मानक भाई की आए बाएं की बातों के बाद हम कम से कम उस सवाल पे तो फोकस कर लें जिसके लिए आए थे। हाँ। वैसे गौरव भाटी, जानकारी के लिए मैं बता दूं कि समय की कमी मेरे पास नहीं थी, समय की कमी शायद उनके पास रही थी, क्योंकि मैं राजस्थान गया, राजस्थान सरकार ने किसानों के साथ जो अन्याय किया उसके ऊपर जाके बोला, आप जरा मीडिया में चेक कर लीजिएगा, राजस्थान सरकार ने बाजरे की खरीद नहीं की उसके लिए जाके लताड़ लगाई। हनुमानगढ़ वाले सवाल पर एक दिन नहीं 3 दिन लगातार एसकेएम ने अपना प्रेस रिलीज दिया है। आपको समय नहीं मिला होगा, कोई बात नहीं, क्योंकि ज्यादा समय आपका कांग्रेस में रहता है, कोई बात, आपको ज्यादा स्नेह वहां रहता है। रिपब्लिक भारत पर उत्तर प्रदेश चुनाव के मुद्दे पर हुई डिबेट में गौरव भाटिया ने अपने जवाब में असदुद्दीन ओवैसी पर तंज कसा, तो इसका मुंह तोड़ जवाब AIMIM के नेता ने भी दिया। जब हम बात कर रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो गया, एम्स आ रहे हैं रायबरेली और गोरखपुर में, किसानों के हित की बात हो रही है, तो ये लोग बात कर रहे हैं CAA वापस कर दो, क्योंकि इनको केवल एक धर्म विशेष के लोगों का वोट बैंक चाहिए। आपने NRC आसाम में लागू की, 21 लाख लोगों को NRC के दायरे में लाया गया, जिसमें से 14 लाख गैर मुस्लिम हिंदू भाई हमारे, क्या आदिवासी दलित, 14 लाख मुसलमान नहीं है, 14 लाख कम है, 14 लाख हिंदू जो NRC में आ गए, हम लोग उनकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम उन दलितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन आदिवासियों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं,
जिनके खिलाफ ये सी ए एन आर सी कानून बनाया आपने, और लड़ेंगे आप, चिल्लाइए। आप तो किसानों को भी आतंकवादी कह रहे थे। चलिए मैं उत्तर दे दूं, किसानों को आतंकवादी हो। भाटिया जी आ रहा हूं, भाटिया जी आ रहा हूं, एक मिनट भाटिया जी आ रहा हूं। आपको गौरव भाटिया की ये डिबेट कैसी लगी, आप कमेंट करके हमें अपने विचार जरूर बताइएगा। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए जुड़े रहिए पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।